भारत के सांसद विधायक हाईकोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार अच्छी तरीके से सोचे कि फ्रांस क्यों जल रहा है। फ्रांस में तो बेरोजगारी भी नहीं है, फ्रांस में कुपोषण भी नहीं है, फ्रांस में प्रदूषण भी नहीं है, फ्रांस में सबको बढ़िया रोटी कपड़ा मकान है, फ्रांस में हाईवे भी है, एक्सप्रेसवे भी है, अच्छी अच्छी गाड़ियां भी हैं, एयरपोर्ट भी अच्छे हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेज हैं, तो फिर फ्रांस क्यों जल रहा है? फ्रांस के ओटजीवी नेताओं ने घुसपैठियों को बसाया और नोटजीवी बुद्धिजीवियों ने झूठे मानवाधिकार की दुहाई देके उनका समर्थन किया, और आज वही घुसपैठिए जो वहां शरण लेने आए थे पूरे फ्रांस को जला रहे हैं। इसके पहले फुटबॉल जब वर्ल्ड कप चल रहा था, जब फ्रांस ने मोरक्को को हराया, तब भी उन्होंने पूरे फ्रांस में आग लगाया, और अब फिर से उनको बहाना मिल गया कि पुलिस ने एक बच्चे को मार दिया है, फिर से उन्होंने पूरे फ्रांस में आग लगा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, जिहाद का इलाज कुछ और है, जिहाद का इलाज चीन को पता है, बाकी दुनिया में और देशों ने इसका इलाज किया नहीं है। चीन को पता है जिहाद का इलाज क्या है और उसने बहुत बढ़िया उसका इलाज किया। और यूसीसी तो फ्रांस में यूसीसी भी है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भारत में यूसीसी आएगा तो जिहाद रुक जाएगा, ये गलतफहमी अभी से निकाल दें। फ्रांस में यूसीसी बहुत पहले से चल रहा है, इसका मतलब यूसीसी भी जिहाद का इलाज नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, यही जिहाद का इलाज है। लोहा लोहे को काटता है, ये जो भारत का सिद्धांत है सठे साठ्यम समाचरेत जो विदुर जी ने कहा था, यही जिहाद का इलाज है। इसलिए सबसे पहले सरकार को भारत में पुलिस रिफॉर्म करना चाहिए और वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना चाहिए। एक घंटे के अंदर एफआईआर और एक महीने के अंदर जांच पूरी हो, यह बाकायदा पुलिस चार्टर में लिखा होना चाहिए। दूसरा, तत्काल सरकार को जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना चाहिए और एक जुडिशियल चार्टर लागू करना चाहिए, जो भी मुकदमा होगा एक साल के अंदर उसका फैसला हो। तीसरा, तत्काल सरकार को टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। भारत में अभी वन नेशन वन टैक्स नहीं है, पूर्वोत्तर के लोगों पे, नॉर्थ ईस्ट के जो 6 राज्य हैं वहां के ट्राइबल्स पे टैक्स लागू नहीं होता, अलग अलग कैटेगरी में टैक्स पे छूट मिली हुई है, और फिर इनकम टैक्स भी चल रहा है, जीएसटी भी चल रहा है, वैट भी चल रहा है, टीडीएस भी चल रहा है, दुनिया भर के टैक्स चल रहे हैं। जो ईमानदार है उनके उनके लिए दुनिया भर का टैक्स, और जो चोर है जो बेईमान है उनके लिए कोई टैक्स नहीं। ये खत्म करना पड़ेगा, सारे टैक्स खत्म, वन नेशन वन टैक्स जिसको कहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, इस पे मैं डिटेल में कभी बाद में बात करूंगा। लेकिन जिहाद का अगर इलाज करना है तो आपको वन नेशन वन टैक्स यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना पड़ेगा। एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, चौथा स्टेप सरकार को तत्काल लेना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा। और जो स्कूल नफरत सिखाते हैं, जिन स्कूलों में नफरत सिखाने वाली किताबें चल रही हैं, उनको बैन करना पड़ेगा 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए, और मैं तो कहता हूं 16 साल तक यानी 10वीं तक पूरे देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन नेशन वन सिलेबस। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़े, सबकी मातृ सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े। किताब एक होनी चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए, उसका जो कंटेंट एक होना चाहिए वो एनसीईआरटी के द्वारा ही तय होना चाहिए। वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड यानी वन नेशन वन एजुकेशन कोड, ये आपको स्टेप लेना पड़ेगा। पांचवा, सरकार को तत्काल माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पे जितनी चीजें चल रही इसको खत्म करना पड़ेगा। ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हमारे अगले विभाजन की फाउंडेशन बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में बाल पाटिल केस में कहा था, तीन जजों की बेंच ने, जस्टिस धर्माधिकारी ने वो जजमेंट लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो रिलीजियस बेस पे है ये बहुत ही खतरनाक है, और अब तो रिलीजियस बेस पे आरक्षण की मांग भी हो रही है। धार्मिक आधार पर न कोई योजना, न कोई मंत्रालय, न कोई आरक्षण, कोई भी चीज नहीं, संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता, धार्मिक आधार पर कोई भी एक भी स्कीम नहीं होना चाहिए। छठवां, ये वक्फ एक्ट जैसे कानून जो बने हुए हैं, जो धार्मिक आधार पर बने हुए हैं, वक्फ एक्ट जैसा कानून न हिंदू के लिए है, न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए है, न सिख के लिए है, न पारसी के लिए है, न ईसाई के, किसी के लिए नहीं। इस तरीके जो मजहबी कानून है,
इनको सारे के सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा, तब जिहाद रुकेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, फ्रांस में सब कुछ है, बस दिक्कत क्या थी, उसने सठे साठम समाचार सिद्धांत को नहीं अपनाया, उसने विदुर को नहीं पढ़ा, उसने चाणक्य को नहीं पढ़ा। जिहाद का अगर इलाज करना है तो आपको चाणक्य और विदुर, विदुर नीति को और चाणक्य नीति को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्रांस के तरीके एक दिन पूरा भारत जलेगा। सातवां, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, घुसपैठियों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना पड़ेगा, एनएसए यूएपीए लगाना पड़ेगा और घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। क्योंकि घुसपैठ का मूल कारण घुसखोरी है, घुसपैठिए घुस दे के आते हैं, घुस दे के आधार बनवाते हैं, घुस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घुस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घुस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, सारा काम घुस पे ही चलता है, और बाद में घुस दे के बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, फिर फ्री का मकान, फ्री की दुकान, फ्री का राशन कार्ड, सब कुछ, फ्री का राशन लेते हैं, दिल्ली में तो मुफ्त में पानी भी ले रहे हैं, मुफ्त में बिजली भी ले रहे हैं, सब घुसपैठिए मजे कर रहे हैं। घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा और घुसपैठियों को कम से कम 10 साल से 20 साल सजा देने का कानून बनाना पड़ेगा, तब ये घुसपैठ रुकेगी। फ्रांस में देख लीजिए कितने 10 लाख घुसपैठिए हैं, पूरे फ्रांस को आग आग पे उन्होंने ढेर पे खड़ा कर दिया। भारत में तो 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं। नौवां, क्योंकि सभी जो देश विरोधी काम है उनकी फंडिंग कालाधन से होती है, हवाला से होती है, इसलिए कालाधन और हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जिनके खिलाफ कालाधन मिले, जिनके खिलाफ जो हवाला का धंधा कर रहे हैं, उनके खिलाफ एनएसए लगाना पड़ेगा, यूएपीए लगाना पड़ेगा और देशद्रोह की धारा लगाना पड़ेगा। दसवां, धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 14 नवंबर 2022 को कहा था, आप लोग गूगल कर लेना, कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो हम धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों पे एनएसए क्यों नहीं लगा रहे, यूएपीए क्यों नहीं लगा रहे, देशद्रोह की धारा क्यों नहीं लगा रहे, उनके 100% प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब्त कर रहे, उनके घरों को हम डिमोलिश क्यों नहीं कर रहे, उनको हम आजीवन कारावास की सजा के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो देश विरोधी काम के लिए जो फंडिंग होती है, भारत के अंदर तो कालाधन से होती है, हवाला के जरिए होती है, बाहर से भी जो फंडिंग आती है वो भी कालाधन के हवाला के जरिए आती है, एफसीआरए के जरिए आती है। इस एफसीआरए कानून को खत्म करना पड़ेगा और एक नया विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। तो जिहाद रोकने के लिए, भारत को बचाने के लिए एक नहीं 11 कानून बनाने पड़ेंगे। यूसीसी से केवल और केवल मुस्लिम बहनों का फायदा है, यूसीसी से न जिहाद रुकेगा, न मजहबी उन्माद रुकेगा, न कट्टरवाद रुकेगा, न चरमपंथ रुकेगा। इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं आपको फ्रांस का बता रहा हूं, फ्रांस में यूसीसी है बहुत पहले से, तो इसलिए गलतफहमी निकाल दीजिए कि यूसीसी आने से भारत में देश की एकता अखंडता मजबूत हो जाएगी और जिहाद रुक जाएगा, मजहबी उन्माद रुक जाएगा, वो जो जाहिलियत वाली सोच है वो बदलेगी नहीं। सोच बदलेगी जब इस देश में वन नेशन वन पुलिस कोड होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होगा, वन नेशन वन टैक्स कोड होगा, वन नेशन वन एजुकेशन कोड होगा, माइनॉरिटी मेजोरिटी खत्म होगा, वक्फ एक्ट माइनॉरिटी एक्ट खत्म होगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून होगा, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून होगा, घुसखोरी के खिलाफ कठोर कानून होगा, कालाधन हवाला के खिलाफ कठोर कानून होगा और विदेशी चंदा नियंत्रण पर रोक लगेगी। ये एक नहीं 11 कानून बनाना पड़ेगा, तब जिहाद रुकेगा, नहीं तो जैसे आज फ्रांस जल रहा है, आने वाले टाइम में भारत भी जलेगा। और भारत जल चुका है, भारत के कई हिस्से जल चुके हैं, जैसा आज फ्रांस जल रहा है 1990 में वैसे ही कश्मीर जला था, जैसा आज फ्रांस जल रहा है अभी एक महीने पहले वैसे ही मणिपुर जला था। याद रखिए, अस्थाई समाधान करना है तो विदुर नीति पे चलना पड़ेगा, चाणक्य नीति पे चलना पड़ेगा और एक नहीं ये 11 कानून बनाना पड़ेगा। आपको मेरी बात ठीक लगे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, आईएएस आईपीएस अगर आपके जानने वाले उनके पास शेयर करिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास शेयर करिए, अपने सांसद विधायक मंत्रियों को शेयर करिए और यूनिवर्सिटीज में अगर आपके जानने वाले प्रोफेसर हैं उनको शेयर करिए, देश के सभी बुद्धिजीवियों तक इसको पहुंचाइए, पत्रकारों तक इसको पहुंचाइए।